ठीक है, अब देखते हैं हम नया टॉपिक सीपेज एनालिसिस। सीपेज का मतलब होता है वाटर का फ्लो करना। सीपेज का मतलब है फ्लो ऑफ वाटर, वाटर का फ्लो करना। वाटर फ्लो तब करेगा जब सॉइल सैचुरेटेड होगा। ठीक है, दो बातें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। वाटर हमेशा तभी फ्लो करेगा जब सॉइल सैचुरेटेड होगा। तो सीपेज का मतलब हुआ फ्लो ऑफ वाटर। सीपेज का मतलब है फ्लो ऑफ वाटर, है ना। एंड फ्लो टेक्स ओनली व्हेन सॉइल इज सैचुरेटेड, व्हेन सॉइल इज सैचुरेटेड। ठीक है, अब हम लोग को यहां यह देखना होगा कि सीपेज प्रेशर क्या होता है। हम लोग कुछ टर्म को समझते हैं। हम लोग यहां पर एक सॉयल स्पेसिमेन ले ले रहे हैं। दिस इज अ सॉयल स्पेसिमेन। यहां पर एक हेड ऑफ वाटर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। सपोज दिस इज हेड ऑफ वाटर। इसका हेड जो है ये है H1। लेंथ ऑफ सॉयल इज दैट, दिस इज लेंथ ऑफ सॉयल। ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉयल। जब सीपेज होगा, वाटर जब पास होगा, तो सॉयल मॉलिक्यूल्स में सॉयल ग्रेन्स और वाटर के बीच एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए इस हेड के थ्रू उसको एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। एनर्जी हम लोग यहां से प्रोवाइड करेंगे। अब यहां से वाटर जब इस तरह से सीप होगा सॉयल से, तो जब सीप करेगा तो क्या है, ये सॉयल मॉलिक्यूल्स है और वाटर जो है इसके ग्रेन से होके, इसके वॉइड से होके पास हो रहा है, इस तरह से पास हो रहा है इस तरह से। तो इस वाटर को पास होने के लिए कुछ एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, विस्कस फोर्स तो है ही सॉइल वो वाटर वाटर के पास, लेकिन सॉलिड और वाटर के बीच एक फोर्स लगेगा। दैट फोर्स इज नॉन एज ड्रैग फोर्स। तो वो ड्रैग फोर्स इसको आगे जाने से रोकेगा। उस केस में ये जो हेड आपने प्रोवाइड करा है, उस हेड से ये क्या करेगा, आगे इसको पुश करेगा वाटर को। लेकिन जब यहां से यहां वाटर पास हो जाएगा, तो ऑब्वियसली इसका एनर्जी का लॉस हो जाएगा। सो द न्यू हेड विल बी H2 एंड दिस H2 बी ऑलवेज लेस देन H1। तो अगर हम लोग देखें तो यहां पर हमारा हेड लॉस, एक्चुअली ये हेड लॉस हो जा रहा है। दिस इज द हेड लॉस। हेड बहुत प्रकार के होते हैं, है ना। दिस इज पोटेंशियल हेड एंड दिस हेड लॉस को हम एच के नाम से जानेंगे। और लेंथ ऑफ द सॉइल इज जेड, सो वी हैव ए स्लोप हियर, यानी कि यहां पर एक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मिलेगा हम लोगों को। एंड दैट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कैन बी कैलकुलेटेड एज व्हाट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को आई बोलते हैं। एंड दिस इज एच बाय जेड, आई इक्वल टू एच बाय जेड। अब देखिए यहां पर इतना प्रेशर है, ये हेड है हमारे पास। नेट इफेक्टिव हेड देखें तो यही हमारे पास है। जो हमारा नेट इफेक्टिव हेड है वो एच है। बाकी जो यहां तक का हेड है वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है ना। जब आप फ्लूड पढ़ते हैं तब प्रेशर निकालते हैं या हेड निकालते हैं, तब देखते हैं जो सेम लेवल पे रहता है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो इफेक्टिव हेड हमारे पास ये है, एच है, और इसी की वजह से फ्लो हो रहा है हमारा। तो अगर हम लोग प्रेशर निकालना चाहें कि यहां पर क्या प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर अगर निकालेंगे दैट इज नॉन ए सीपेज प्रेशर। तो सीपेज प्रेशर क्या होगा, सपोज दिस इज पी एस, तो सीपेज प्रेशर वही होगा जो वाटर का हेड है यहाँ, जो फोर्स लग रहा है। एंड दैट पर यूनिट एरिया इज द फोर्स, पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर। तो हम लोग सीधा निकालने सीखे थे इफेक्टिव स्ट्रेस में, दैट इज एच गामा डब्ल्यू। यानी गामा डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, और एच इज द हेड। सो दिस इज द सीपेज प्रेशर। अब ये देखिए गामा डब्ल्यू आपका कांस्टेंट है, तो सीपेज प्रेशर जो है वो हेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। गामा डब्ल्यू कांस्टेंट हो गया, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट ले ले हम लोग, तो सीपेज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि सीपेज प्रेशर जो है, सीपेज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेड।
अब देखिए इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि इस डायग्राम में जब ये वाटर इंटर कर रहा है, यहां पर जब इन कर रहा है उस समय यहां सबसे ज्यादा हेड है, और जब ये एग्जिस्ट कर रहा है तो हेड उस समय जीरो है या मिनिमम है। तो कहने का मतलब है कि सीपेज प्रेशर जो होगा दैट विल बी मैक्सिमम एट द एंट्रेंस एंड इट विल बी मिनिमम एट द एग्जिस्टेंस। जहां पर पानी बाहर आएगा वहां पर ये मिनिमम होगा, और जहां पर पानी इन करेगा वहां पर मैक्सिमम होगा। हम लोग ऐसा लिख लेते हैं कि सीपेज प्रेशर चेंजेस अलोंग द पाथ ऑफ फ्लो, पाथ ऑफ फ्लो के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा एंड इट इज मैक्सिमम एट एंट्रेंस एंड मिनिमम एट एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस पे ये मिनिमम होगा, मिनिमम मतलब ये जीरो भी हो सकता है, अगर कुछ हेड यहाँ मिल जाता है तो फिर हम लोग उसको जीरो नहीं कहेंगे, फिर मिनिमम होगा। तो इस प्रकार से मैक्सिमम यहाँ होगा और मिनिमम यहाँ होगा। सो दिस इज द सीपेज प्रेशर पी एस, पी एस इक्वल टू एच गामा डब्ल्यू। सीपेज प्रेशर कोई नया टर्म नहीं है, तो सीपेज प्रेशर जो है ये एच गामा डब्ल्यू, दिस इज नथिंग बट दिस इज द वाटर प्रेशर पोर प्रेशर। ये जो है इस वाटर को ढकेल रहा है, पुश कर रहा है आगे की तरफ, ले जा रहा आगे की तरफ। अब ये जो सीपेज प्रेशर है ये क्या करेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, दिस सीपेज प्रेशर विल ऑलवेज एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जिस डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में इसको लगना होगा, तभी तो ये पुश करके आगे की तरफ ले जाएगा। तो सीपेज प्रेशर, सीपेज प्रेशर एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो में ये एक्ट करेगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग दूसरे टर्म में किस प्रकार से हम लोग चेंज करते हैं, कन्वर्शन करते हैं। तो पी एस इक्वल टू एच गामा डब्ल्यू, दैट कैन बी रिटन एज एच बाई जेड इंटू जेड इंटू गामा डब्ल्यू। जेड से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिए, ये जेड कैंसिल होगा तो फिर यही टर्म आ जाएगा। दिस एच बाई जेड इज नथिंग बट दिस इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। सो सीपेज प्रेशर पी एस कैन बी रिटन एज आई जेड गामा डब्ल्यू, तो दिस इज सीपेज प्रेशर, ठीक है। अगर कोई इसको फोर्स में लिखना चाहता है तो क्या होगा, सीपेज फोर्स इक्वल टू क्या होगा, अगर सीपेज फोर्स निकालना चाहता है कोई तो सीपेज फोर्स इक्वल टू सीपेज प्रेशर, सीपेज प्रेशर इंटू एरिया। तो सीपेज फोर्स सपोज दिस इज एफ एस, सीपेज प्रेशर हो गया पी एस, और एरिया ऑफ फ्लो हो गया या एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन इज ए। So that can be written as H gamma W into A, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं I Z A gamma W, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। Z और A, area into length, area into length is nothing but this is the volume, so I into volume into gamma W, FS, so FS by volume अगर लिख दे हम लोग, this is known as seepage force per unit area, सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा। सपोज दिस इज एफ एस स्मॉल एफ एस, तो दैट कैन बी रिटन एज आई गामा डब्ल्यू। इस प्रकार से आपने सीपेज वॉल्यूम भी देख लिया। और सीपेज प्रेशर हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है ये याद रखना है कि सीपेज प्रेशर जो है हमेशा, हाँ बोलिए, बोर्ड के नीचे चल गया, देखना। अच्छा नीचे चला गया है, तो थोड़ा सा समझ जाओ, यहाँ वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए हैं, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम निकल गया। जेड इनटू ए को भी कैसे लिखें एक बार फिर से बताइए। हाँ जरूर बताएंगे, जरूर बताएंगे, बिल्कुल सुशांत आपका क्वेश्चन सही है। देखिए ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, अच्छा इस सिलेंडर का हमको वॉल्यूम निकालना है सुशांत, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। सर एरिया इनटू लेंथ होता है वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर इनटू एच ना। जी जी सर, तो पाई आर स्क्वायर इज व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। सेम वे दिस इज द लेंथ जेड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू जेड बिकम्स बी, राइट। अब समझ गए, ओके ओके सर, ठीक है, सिटी लग रहा था इसलिए कंफ्यूजन, नहीं ठीक है ओके, जहां भी डाउट हो जरूर पूछिए, है ना, टीचर होता है डाउट बताने के लिए, अगर डाउट नहीं बता रहा है तो फिर वो टीचर क्या है।
तो यहां तक क्लियर है, इसको एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम इसका थोड़ा सा और एनालिसिस ऑपरेशन करते हैं। अब देखिए हम लोग ये सीख गए। अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, अब देखो थोड़ा सा क्या है कि बोर्ड में ऊपर जगह बचा हुआ रहता है, लेकिन क्या ना कि हम है ये क्या जानते हो तुम लोग, भगवान विष्णु के जो है 11 अवतार हुए, उसमें एक 9 अवतार हुए, उसमें से एक वामन अवतार भी है। कोई बता सकता है वामन के बारे में? सबको आवाज आ रही है? जी सर। वामन, वामन समझते हो नाम? देखो वो जी मतलब जो हिंदू रिलेटिव मतलब कम्युनिटी से होंगे उनको पता होगा, वामन ये एक अवतार है ना भगवान विष्णु के, नाम सुना है? नहीं सर। जी सर। हाँ तो क्या है कि ऊपर जगह रहता है, लेकिन हम वामन अवतार मतलब हम नाटे आदमी है, ऊपर तक हम पहुंच नहीं पाते हैं, इस वजह से नीचे चले जाते हैं, ठीक है ना? तो देखिए आप लोग बुक पढ़ रहे हैं सोहेल का? कोई बुक पढ़ रहा है सोहेल का? यस सर। कौन सा बुक पढ़ रही हो? सर बीसी पुनमिया। हाँ बहुत अच्छा बुक है, ठीक है ना? बुक जरूर पढ़िए, हम पढ़ाते हैं वो ठीक है, लेकिन बुक सबको पढ़ना चाहिए, तभी क्या होता है कि आपको पूरा ज्ञान का प्राप्ति हो पाता है, तब आपका जो डाउट है थोड़ा बहुत या फिर जो हम स्टोरी बता रहे हैं वो स्टोरी किस प्रकार से रिलेट होगा वो आपको बुक से मिल पाता है ना, इसलिए बुक जरूर पढ़ना चाहिए लोगों को। अब देखिए जो हमने बताया कि सीपेज प्रेशर जो है ये हमेशा जो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो में हो, जिस डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा उसी डायरेक्शन पे ये लगेगा, ठीक है? मान लेते हैं हमारे पास यहां पर एक सॉइल है या ग्राउंड है, सपोज हम लोग ये एक्स एक्स सेक्शन ले लेते हैं और यहां पर वाटर है ना, पूरा वाटर, अभी फ्लो का बात हम नहीं कर रहे हैं, ये वाटर टेबल है यहां पर और इसका जो यूनिट वेट होगा दैट इज द गामा सेचुरेशन, ठीक है? थोड़ा सा जो पहले क्लास ज्वाइन नहीं किए थे उनके लिए थोड़ी सी बात बता दे रहा हूं मैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर हम लोग स्ट्रेस निकालना चाहते हैं, अगर इफेक्टिव स्ट्रेस, तो ये कैसे निकालते हैं हम लोग? पहले निकालते हैं टोटल स्ट्रेस, और टोटल स्ट्रेस जो है इसको निकालना बहुत आसान है। टोटल स्ट्रेस को किस प्रकार से निकालते हैं हम लोग? अगर इसका हाइट को हम लोग जेड ले लें तो हम लोग क्या करेंगे, जेड से गामा सेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, तो जेड इंटू गामा सेट मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, मतलब गामा सेट करने मतलब यहां वाटर सेचुरेटेड है इसलिए गामा सेचुरेशन है, अगर ड्राई होता तो गामा डी होता, ठीक है? तो ये आपको टोटल स्ट्रेस दे देता है। और जो वाटर यहां पर है तो इसके वजह से एक स्ट्रेस और लगता है, दैट स्ट्रेस इज नॉन एज पोर प्रेशर, है ना? दैट स्ट्रेस इज नॉन एज पोर प्रेशर, और पोर प्रेशर को हम लोग आसानी से देख पाते हैं, पोर प्रेशर इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज यू, और यू इक्वल टू बहुत आसान फार्मूला है, एच इंटू गामा डब्ल्यू, मतलब हाइट ऑफ वाटर इंटू गामा डब्ल्यू यूनिट वेट, दिस इज पोर प्रेशर एंड दिस इज टोटल स्ट्रेस। और इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकालते हैं हम लोग, बहुत सिंपल है, इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर, सो दिस जेड गामा सेट माइनस जेड गामा डब्ल्यू बिकम्स इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा बार, so this is z and gamma set minus gamma w, hence gamma saturation unit saturation saturated unit weight or unit weight of water को जब subtract करते हैं हम लोग को submerged unit weight मिलता है, इसको हम लोग gamma dash से भी लिखते हैं, ये जो है effective stress है।
अब सोचिए कि इफेक्टिव स्ट्रेस जो होगा वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब यहां पर ये जो हम ले रहे हैं, यहां पर हम लोग डायरेक्शन ऑफ मतलब वाटर का फ्लो भी दे देते हैं। सपोज करो कि वाटर जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सैचुरेटेड है तभी फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, यानी कि व्हेन व्हेन फ्लो इज इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब जब इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तब देखो क्या होगा। अब जब ये फ्लो करेगा तो इसके ऊपर एक क्या लगेगा, सीपेज प्रेशर लगेगा। और सीपेज प्रेशर हम क्या बोले थे, सीपेज प्रेशर ऑलवेज एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जिस दिशा में पानी का बहाव है, जिस दिशा में पानी बह रहा है, द डायरेक्शन इन विच वाटर इज फ्लोइंग, वह डायरेक्शन जिसमें पानी फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में ही सीपेज प्रेशर लगता है। और इफेक्टिव स्ट्रेस जो है यहां पर अगर इस सेक्शन एक्स एक्स पे बात करें हम लोग एट एक्स एक्स, तो टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, तो टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस देखिए क्या हो जाएगा। एक तो इफेक्टिव स्ट्रेस लग ही रहा है एंड दैट इफेक्टिव स्ट्रेस इज जेड गामा डैश या जेड गामा सबमर्ज्ड, तो यहां पर हो जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस और प्लस हो जाएगा सीपेज प्रेशर, सीपेज प्रेशर। लेकिन वर्टिकल फ्लो इज इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड में। अभी ये किधर बह रहा है, डाउनवर्ड में नीचे की तरफ बह रहा है। तो आप नेट इफेक्टिव स्ट्रेस जो है आप सिग्मा नेट इस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा बार प्लस सीपेज प्रेशर। एंड सिग्मा बार अभी हम लोग यहां प्रूव किए थे जेड सिग्मा डैश एंड दिस इज जेड गामा डब्ल्यू। सीपेज प्रेशर को आप क्या लिखते थे, जेड गामा डब्ल्यू लिखते थे, अभी तुरंत इसके पहले वाला स्लाइड में हम लोग देखे थे। तो जब वाटर का फ्लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा वर्टिकली, तो आपका नेट इफेक्टिव स्ट्रेस देखिए इतना से बढ़ गया, इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी इंक्रीज्ड। तो अगर आपने कहीं बिल्डिंग बना रखा है, कहीं फाउंडेशन बना रखा है और पानी का फ्लो जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो दैट इज गुड फॉर द फाउंडेशन, वो फाउंडेशन के लिए अच्छा होगा क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस सॉइल का इंक्रीज हो रहा है, मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी सॉइल का बढ़ रहा है ना, दैट इज वेरी यूजफुल फॉर द फाउंडेशन। लेकिन दैट फ्लो शुड बी थ्रू आउट द ईयर, वो पूरा साल जो है होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या बंद होगा तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, आप देखिए कि अगर हमारा जो फ्लो है वर्टिकल डायरेक्शन में है लेकिन अपवर्ड है, यानी पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो आप सिग्मा नेट जब लिखेंगे, अब सिग्मा बार तो लिखेंगे लेकिन सिग्मा बार लिखेंगे तो अब सीपेज प्रेशर किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, सीपेज प्रेशर ऑलवेज एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, सीपेज प्रेशर ऑलवेज एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो ये फ्लो ऊपर हो रहा है तो ये ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, सो ये जो आपका है जेड गामा मतलब कि सीपेज प्रेशर यहाँ डिक्रीज हो जाएगा, सो दैट इज लाइक दैट सिग्मा नेट आपको ये मिल जाएगा। इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो नेट वर्टिकल नेट इफेक्टिव स्ट्रेस है वो बढ़ भी सकता है और वो घट भी सकता है, इसलिए हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं सिग्मा नेट बार इक्वल टू जेड गामा डब्ल्यू प्लस माइनस, या फिर ऐसा लिखो और अच्छा रहेगा इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस माइनस सीपेज प्रेशर, सीपेज प्रेशर। प्लस कब लेना आपको, प्लस उस टाइम में लेना है जब फ्लो डाउनवर्ड है, और माइनस उस समय लेना है जब फ्लो अपवर्ड है। अब देखिए इसका कहानी क्या है, है ना, एक मिनट में स्क्रीनशॉट लो तो फटाक से। हो गया, देखिए अब ये आप देख लिए कि सीपेज प्रेशर से जो है आपका इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ सकता है या घट सकता है, ये दोनों चीजें हो सकती है। अगर आपका फ्लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है देन सीपेज प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड, अगर डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन में है देन सीपेज प्रेशर विल बी डिक्रीज्ड। अब देखिए यहां पर ये कितना खतरनाक है हमारे लिए, सपोज वी हैव ए डैम, हमारे पास एक डैम है, इस तरह से हमने एक डैम बनाया है कहीं साइट पे, और हमारे पास ये वाटर है, वाटर है और ये फाउंडेशन है डैम का, मान लो
अब मान लेते हैं इस पानी को रास्ता मिल गया इधर से जाने का, तो इस तरह से सिपेज होने लगेगा, पानी इस तरह से जाना शुरू कर देगा, इस तरह से जाना शुरू कर देगा, ठीक है। अब आप यहां आइए सेंटर पॉइंट पे, इस पॉइंट के पहले तक जो फ्लो का डायरेक्शन था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन था, इस पॉइंट के बाद जो फ्लो का डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, मीन्स इसके इधर वाला जो पोर्शन है, इधर जो पोर्शन है, इधर जो पोर्शन है, यहां पर आपका नेट इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, और इधर का जो पोर्शन ना, यहां पर नेट इफेक्टिव स्ट्रेस आपका घट रहा है, तो नेट इफेक्टिव स्ट्रेस वो क्या रहा है, सिग्मा नेट इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा था सिग्मा बार माइनस, जब अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हम लोग देखे हैं तो माइनस पी एस एंड दैट वाज जेड गामा डैश माइनस जेड गामा डब्ल्यू, दिस इज द नेट इफेक्टिव स्ट्रेस। अब सोचिए कि अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि ये जो है इसके इक्वल हो जाए, है ना, अगर मान लेते हैं कि ऐसा हो जाए कि ये जो आपका है इफेक्टिव स्ट्रेस सबमर्जेंस यूनिट वेट और ये जो आपका है सिपेज प्रेशर, ये दोनों अगर एक दूसरे के इक्वल हो गए तो नेट इफेक्टिव स्ट्रेस जो है दैट बिकम जीरो। अगर ऐसा हो पाता है तो इफ सिग्मा नेट इक्वल टू जीरो, तब क्या होगा, जेड गामा डैश माइनस जेड गामा डब्ल्यू बिकम जीरो। नेट इफेक्टिव स्ट्रेस अगर जीरो हो जाता है, इफ नेट इफेक्टिव स्ट्रेस बिकम जीरो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए जो आपका टोटल स्ट्रेस था, टोटल स्ट्रेस मतलब टोटल वेट जो था वो लग रहा था नीचे की तरफ, तो कोई पार्टिकल है अगर ये है, ये यहां से छोड़ते हैं जैसे, तो वो नीचे की तरफ चला जाएगा क्योंकि नीचे एक वेट लग रहा है जो इसको नीचे की तरफ ले जा रहा है। अब अगर हम लोग ऐसा कर दें कि इसके नीचे यहां कोई सपोर्ट दे दें और उसके बाद छोड़ेंगे तो ये नीचे नहीं जाएगा, मतलब ये जो फोर्स नीचे लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर एक फोर्स आ गया, लेकिन ये ऊपर भी नहीं जाए उसके लिए कंडीशन ये होगा कि कम से कम ये दोनों बराबर रहे या फिर कम से ये हमेशा नीचे की तरफ ज्यादा लगे। तो यहां पर जो हमारा सॉइल है, ये जो सॉइल है उसमें अगर इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो गया है, इसका वेट जो है वो वेटलेस हो गया है, कोई वेट है ही नहीं, जब इसके पास वेट नहीं होगा सॉइल के पास और पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस अगर जीरो हो जाता मतलब वेट लॉस कर चुका है, तो ये क्या होगा, सॉइल पार्टिकल जो यहां पर है, सॉइल पार्टिकल्स, ये सारे सॉइल पार्टिकल्स पानी के साथ फ्लो करना शुरू कर देगा। जब नेट इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाएगा देन सॉइल पार्टिकल स्टार्ट टू फ्लो विथ वाटर, वाटर के साथ फ्लो करना, क्योंकि उसका वेट है नहीं, वो नीचे की तरफ आ ही नहीं पाएगा, तो जिस डायरेक्शन में वाटर शिफ्ट हो रहा है उसी डायरेक्शन में वो फ्लो करना शुरू करेगा। अब क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ का पूरा सॉइल जो है आपका वो फ्लो कर जाएगा। अब सोचिए कि जब यहां से सॉइल खाली होगा, एक रास्ता बना देगा, एक ड्रेन बना देगा, एक पाइप बना देगा, यहां पाइप बना देगा, एक तरह से एक ड्रेन बना देगा यहां से। अब उस सिचुएशन में सोचिए कि क्या होगा, ये डैम आपका नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, सेटल कर जाएगा, एंड द फेल्योर विल बी टेक्स प्लेस, और डैम पूरी तरह से फेल्योर हो जाएगा। सो सच टाइप ऑफ कंडीशन इन विच द नेट इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन द सॉइल बिकम जीरो इज द वेरी डेंजरस कंडीशन फॉर द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। अगर आपका हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है द डैम कैनाल या कोई भी चीज वियर ब्रास, तो उस सिचुएशन में इफ द नेट इफेक्टिव स्ट्रेस बिकम जीरो दैट इज द वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर द स्ट्रक्चर। उस सिचुएशन में स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही डेंजरस कंडीशन होगा क्योंकि नीचे का पूरा सॉइल बाहर चला जाएगा और जो है पूरा आपका जो फाउंडेशन है वो नीचे की तरफ सेटल होगा और फाइनली जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाए वो फेल कर जाएंगे। तो सच टाइप ऑफ कंडीशन एट विच द नेट इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ द सॉइल बिकम जीरो, और ये सिर्फ तभी संभव है जब फ्लो जो है सिपेज जो है अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। सच टाइप ऑफ कंडीशन इज नॉन एज क्विक सैंड कंडीशन। तो क्विक सैंड कंडीशन, क्विक सैंड इज नॉट एनी टाइप ऑफ सैंड, क्विक सैंड इज नॉट एनी टाइप ऑफ सैंड, इट इज द सिचुएशन व्हेन अ नेट इफेक्टिव स्ट्रेस बिकम जीरो। क्विक सैंड इज नॉट द टाइप ऑफ सैंड, इट इज द कंडीशन एट विच द नेट इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन द सॉइल पार्टिकल्स बिकम जीरो। सॉइल पार्टिकल्स पे नेट इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो जीरो हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में आपका जो पार्टिकल्स होगा वो वाटर के साथ फ्लो करना शुरू कर देगा। कौन सा पार्टिकल फ्लो करेगा,
तो जो सॉइल के वाटर के साथ जो फ्लो होगा वो पार्टिकल होगा, फाइन सैंड और कोर्स सिल्ट। कोर्स सैंड फ्लो नहीं कर पाएगा, ग्रेवल फ्लो नहीं कर पाएगा क्योंकि उनका वेट ज्यादा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्ले का नाम क्यों नहीं लिया, तो कोर्स सिल्ट और हमने क्या बताया आपको फाइन सैंड, क्ले हमने क्यों नहीं बोला इसको समझिए। क्ले के पास अपना एक कोहेसिव प्रॉपर्टी होता है जो हम लोग सीयर स्ट्रेंथ में जाके देखेंगे, कोहेसिव प्रॉपर्टी होता है। उस कोहेसिवनेस के कारण उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते हैं। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो भी हो जाए तो भी कोहेसिवनेस के कारण वो पार्टिकल एक दूसरे को छोड़ेगा नहीं और वो फ्लो नहीं करेगा। जब वो फ्लो ही नहीं करेगा तो वहां पर पाइप या फिर क्विक सैंड कंडीशन अराइज नहीं होगा। तो क्विक सैंड कंडीशन विल बी अराइज ओनली व्हेन द सॉइल पार्टिकल्स ऑफ साइज ऑफ फाइन सैंड एंड कोर्स सिल्ट। इसके बारे में कल और ऑपरेशन होगा, कल और इस पर एनालिसिस होगा, इसके कंडीशंस होंगे, कल हम लोग इस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा, शुभ रात्रि।